सो हेलो एवरीवन, ये है मॉलटेक के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस शेयर के टोटल इनकम से। ईयरली बेसिस में जो इनकम जनरेट हुई थी यहाँ पे वो 20,796 लाख थी, जो अब यहाँ पर डिक्रीज़ होकर 18,654 लाख यहाँ पर हो गई है। टोटल एक्सपेंसेस जो है ईयरली बेसिस में 17,880 लाख के थे, जो डिक्रीज़ होकर 16,178 लाख के यहाँ पर हो गए हैं। यानी इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस भी जो है यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है ईयरली बेसिस में 2,433 लाख था, जो बढ़कर अब 2,949 लाख यहाँ पर हो गया है। आगे हम इस शेयर के जो है अर्निंग पर शेयर की भी बात करते हैं। अर्निंग पर शेयर जो है ईयरली बेसिस में 6.69 पैसे था, जो अब घटकर यहाँ पे 5.65 पैसे के राउंड हो गया है। ओवरऑल जो शेयर के रिजल्ट है वो यहाँ पर इतने कुछ खास भी नहीं आए हैं, और इस वजह से जो शेयर है इसमें यहाँ पर आज गिरावट भी देखने को मिली है। वैसे तो अगर आप चाहे तो शेयर को इस मंथ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम टारगेट है यहाँ पे वो 1,050 रुपये के राउंड रहने वाला है। तो इस प्राइस में भी आप इस शेयर को जो है इस मंथ तक यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं, और चाहे तो इस शेयर को सेल करने के बाद जो है एक्सिट लेना चाहते हैं तो एक्सिट भी ले सकते हैं इस शेयर से।